हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सुपर टेट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को लेके, और किस तरह का आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, उसका लेवल क्या रहेगा और आप उसकी तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, पूरी बात इसमें करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे कंफ्यूजन खत्म होने वाले हैं और आपकी जो टेंशन है वो बहुत ही डाउन हो जाएगी, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आपको सुकून मिलेगा और ये वीडियो आपको संतुष्टि देने वाली है। इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या तैयारी करनी है और आपका सिलेबस क्या होने वाला है पूरा, क्योंकि मैंने इस पे जो है बहुत एनालाइज किया है सारी चीजों को, फिर तभी जो है मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है, ठीक है। और ये मैं आपको बता दूं सबसे पहले बार में ही कि जितना हम सोच रहे थे कि ये जो बीपीएससी एग्जाम लेगा तो सुपर टेट आपका बहुत ही कठिन हो जाएगा और ये एग्जाम आपको बहुत ही ज्यादा टेंशन देने वाला होगा, उतना है नहीं। ये एग्जाम उतना मुश्किल नहीं होगा जितना हम लोग जो है सोच रहे थे, ये थोड़ा सा इजी रहेगा। और वो मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ वो मेरे पास पूरे एनालाइज है, आगे वीडियो में बात करेंगे, उसी बेस पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी जो है आपको क्लैरिटी मिलेगी और सारी चीजें आपकी जो है पूरा आप लोग समझ पाएंगे उस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप जो है बिहार सुपर टेट की यानी कि सेवन फेज टीचर की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन दबा लो, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि नया बैच आपका इसी तैयारी के लिए, इसी एग्जाम के लिए जो है बैच स्टार्ट होने वाला है। पूरा फ्री बैच रहेगा और टोटली सिलेबस आपका जो है यहीं पे इसी चैनल पे कवर कराया जाएगा। तो आप जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे पहले मैं दो तीन डाउट क्लियर कर दूं कुछ लोगों के, जो हमने कल वीडियो बनाई थी मैंने कि बिहार सेवंथ फेज की तैयारी कैसे करें, यानी कि सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। उसमें मैंने बहुत सारी आपको बुक्स भी रिकमेंड की थी कुछ, और कुछ मैंने आपको जो है एग्जाम पैटर्न भी बताया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे आपसे, सिलेबस भी मैंने आपको बताया था। तो उसमें कई लोगों के कमेंट्स आए थे, उनका मैं पहले जवाब दे दूं। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आप जो है अभी तो ऑफिशियल सिलेबस आया नहीं है, तो आप किस बेस पे बता रहे हो कि ये वाले सब्जेक्ट और ये चीजें जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उसका जो है मैंने ये बोला था कि ये टेंटेटिव है, मैंने उस वीडियो में एक वर्ड यूज किया था कि ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ टेंटेटिव है। हाँ, मैंने ये नहीं बोला उसमें कि सिलेबस आ चुका है, ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया तो सिलेबस पहले कैसे आ जाएगा। तो मैंने आपको ये बोला था टेंटेटिव, और वो इसलिए बताया गया है ताकि आपका जो ये बीच का गैप है, जो बीच का टाइमिंग है, आपके कुछ दिन है, वो आपके खराब ना जाए, आप उसमें तैयारी करें, उनको उपयोगी बनाएं, बेहतर तैयारी। और जो चीजें मैंने उसमें बताई है वो पूरी प्रमाणित भाई, वो पूरी सही जानकारी आपको दी है उस वीडियो में, कोई भी एक भी चीज अलग से ऐसी नहीं है कि जिससे आपका टाइम खराब हो। तो उसमें मैंने ये वर्ड बोला था, तो उन लोगों को लगा कि इन्होंने ऑफिशियल सिलेबस बताया है, इसलिए उन्होंने कमेंट किया कि आप कैसे बता रहे हो, कहां से बता रहे हो। तो उनको जवाब देने के लिए मैंने ये बात बताई। फिर दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि आप नोट्स दे रहे हो, यहाँ पे नोट्स के लिए मैंने बोला था कि इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये भी, कुछ लोगों का कमेंट आया, हालांकि बाकी लोग तो समझ जाते हैं बात को जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने बोला कि नोट्स किस कैसे आप जो है किस चीज के नोट दोगे जब सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि बेसिक नोट्स जो आपके सब्जेक्ट आने कंपलसरी हैं, कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जैसे कि सीडीपी आपका कंप्लीट कंपलसरी आना ही आना है, आपकी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि जीएस आपका भूगोल इतिहास वगैरह आना कंपलसरी है, ईवीएस आना कंपलसरी है। और उनके जो है मैंने ये बोला था कि बेसिक नोट्स अभी मिलेंगे आपको, और फिर जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बाकी नोट्स बाद में मिलेंगे, और बाकी जो नोट्स मिलेंगे बाद में उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, वो इसी में मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपका कोई नुकसान नहीं है, आप जो है तैयारी कर सकते हैं और अभी से कर सकते हैं पूरी, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी मेन जानकारी पे, ये कंफ्यूजन हो रहा था इसलिए मैंने ये चीजें बताई है। तो नोट्स आप ले सकते हैं, अभी कंफ्यूजन खत्म है आपका, नोट्स आप पढ़ सकते हैं लेके, बाकी जो ऑफिशियल सिलेबस आने के बाद जो नोट्स बनेंगे वो भी आपको फ्री में दिए जाएंगे उसके बाद। अभी जो अगर आप पेमेंट देते हैं तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पेमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए अब हम बात करें आगे। देखो, तो सबसे पहली चीज ये है कि जो हमारा आगे होने वाला एग्जाम है, सिर्फ उसमें इतना फर्क है कि उसको बीपीएससी हमारा जो है लेगा एग्जाम को, लेकिन उससे पहले हम जो है शुरू से शुरू करते हैं, यानी कि टीचिंग एग्जाम्स की शुरुआत से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जाम होता है हमारा बिहार में वो होता है बीटेट, प्राइमरी और जूनियर के लिए दो पेपर होते हैं। फर्स्ट आपको पता है पेपर वन क्या है, उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं आपके सीडीपी मैथमेटिक्स, सीडीपी आपको पता है ना बाल विकास, मैथमेटिक्स, ईवीएस लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, दो लैंग्वेज आपको चुननी होती है। पेपर टू जो होता है आपका सीडीपी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, एसएसटी या मैथमेटिक्स में से कोई एक, अगर आप आर्ट साइड से एसएसटी, साइंस साइड से हैं तो साइंस और मैथ, ठीक है। और ये जो होता है पेपर आपका 150 नंबर का ही होता है, ये बात भी पक्की है, यानी कि इसका जो पैटर्न है वो सीटेट के जैसा है ना।
अब बात करें एसटेट की, तो जो आपका 9th, 10th और 11th के लिए होता है उसमें भी लगभग सब्जेक्ट जो है आपके सेम होते हैं, उसमें थोड़े से एडिशनल हो जाते हैं, जैसे कि उसमें लैंग्वेज बढ़ जाती है, उसमें जो है जनरल स्टडीज जो है आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और जो आपका एस्टेट सेकंड वाला है उसमें कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, बेसिक सब्जेक्ट यही रहते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हुई, तो इसको जो बोर्ड लेता है वो लेता था आपका BSEB यानी कि आपका जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो था वो आपको कंडक्ट करा था इन पेपर को। तो इनका जो था आपका जो है 150 मार्क्स का पूरा पेपर होता था और इसमें जो है 50% मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए, यानी कि 75 नंबर आपको चाहिए। अब आगे बढ़े तो आपका जो है सिर्फ इन दोनों में फर्क ये है कि ये BPSC ले रहा है आपका, अब जो आप सॉरी ये BSEB ले रहा है, अब जो आपका पेपर होगा सुपर टेट का वो कौन लेगा, वो लेगा BPSC यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो नई आयोग हो गया एक तरह से आपका और वो पेपर लेगा, तो इसलिए हमारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है या डर आ रहा है कि ये जो पेपर आने वाला है उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा या मुश्किल देखने को मिलेगा। तो उसका जो आप अंदाजा लगा सकते हैं वो इस चीज से लगा सकते हैं कि BPSC ने अभी लास्ट एग्जाम जो लिया है टीचिंग लाइन में, वो एग्जाम लिया है आपका हेडमास्टर का, ये तो आप सबको पता है, और नहीं पता तो चेक कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि हेडमास्टर का एग्जाम जो है जो टीचर टीचिंग लाइन से संबंधित है और लिया है BPSC ने, तो उसमें उसने क्या क्या चीजें की हैं। तो उसमें इसने जो हेडमास्टर का जो एग्जाम लिया है वो 150 नंबर का ही पेपर लिया है। आप लोग ये सोच रहे थे ना कि 100 नंबर का पेपर होगा तो BPSC जो है वो 100 नंबर के अदर एग्जाम्स लिए होंगे उसने 100 नंबर के, कोई बात नहीं, लेकिन टीचिंग के जितने एग्जाम्स होते हैं मोस्टली 150 नंबर के होते हैं। तो इसका सबूत आपको यहां से मिल रहा है कि BPSC ने अगर हेडमास्टर का एग्जाम 150 नंबर का लिया है तो ये जो सुपर टेट का एग्जाम होगा ये भी आपका 150 नंबर का ही होगा, ठीक है। आप लोग जो है इस पे कंफ्यूज हो रहे थे कि 100 का होगा, 30 नंबर लाने होंगे, 40 लाने होंगे, क्या होगा, 150 नंबर का ही पेपर आपका होगा। तो इसने जो 150 नंबर का पेपर को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 75 नंबर का है, पार्ट बी आपका 75, टोटल मिला के 150 नंबर हो जाते हैं। इसके अंदर उसने पूछी क्या चीजें हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलेगा कि हमें जो है तैयारी क्या करनी है और हमारा जो पेपर होगा एग्जाम पैटर्न वो कैसा हो सकता है। तो इसके अंदर जो चीजें पूछी गई है उससे हमें थोड़ा अंदाजा लगेगा। तो देखो पार्ट ए को जो नाम दिया है उसने दिया है जनरल स्टडीज, और पार्ट बी को जो नाम दिया है वो दिया है DLED। अब DLED नाम दे दिया, सब्जेक्ट तो बताया नहीं उसके अंदर क्या पूछेगा ये भी डिस्कस करते हैं। तो मैंने इसका पूरा पेपर देखा है, जो आपका पेपर आया था प्रीवियस पेपर मैंने इसका पूरा पढ़ा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। GS में क्या चीजें पूछी हैं आपसे, सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं पूछी हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछा है, भूगोल पूछा है, भारतीय राजव्यवस्था, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, रीजनिंग। तो इनको अगर आप इनको नाम जो नॉर्मल नाम अगर रखना चाहें तो इसका होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो होगा इतिहास आपका, यानी कि आपका हिस्ट्री होगा, ठीक है, ये हो गया आपका हिस्ट्री। भूगोल है आपका, हो गया ज्योग्राफी, और आपका भारतीय राजव्यवस्था यानी कि आपका नागरिक शास्त्र जो होता है आपका सिविक्स हो गया ये, ठीक है, और प्राथमिक गणित तो हो ही आपका मैथमेटिक्स, और रीजनिंग हो गया आपका। और जो आपका सामान्य ज्ञान है इसमें दो चीजें हैं, EVS प्लस बेसिक साइंस है, ये इसमें लिखा नहीं है लेकिन जब मैंने इसका प्रीवियस पेपर पढ़ा तो उसमें साइंस के प्रश्न थे, कम से कम 10 प्रश्न साइंस के थे उसमें, तो इससे सीधी बात साबित होती है। और साइंस के भी बहुत बेसिक वाले प्रश्न थे, मतलब ऐसे थे जो से कक्षा 6-7 की किताबों से उठाए गए हों, NCERT से कक्षा 6-7 की किताबों से प्रश्न उठाए गए हों, इस प्रकार के प्रश्न थे, हाई लेवल के थे नहीं बहुत ज्यादा। और भूगोल के और जो सिविक्स के वो इतने बेसिक प्रश्न थे कि शायद उनमें से बहुत सारे प्रश्न तो आप बिना तैयारी के भी सॉल्व कर देते, क्योंकि इसमें NCERT वाले पूछ रखे थे, उन्होंने हद से ज्यादा प्रश्न, तो इसमें इतना बहुत भारी भरकम पेपर नहीं था। बहुत मुझे लगता है कि अगर आप ने BTET पास कर रखा है तो उसको पेपर को अगर आप देते तो भले ही आप मेरिट में ना जाते लेकिन पासिंग मार्क्स तो आप ला सकते थे, इतना इजी पेपर था उसका। नॉर्मली अगर तैयारी ही नहीं है, आप बिल्कुल जो है बेस बना हुआ नहीं है तो बात अलग है। तो ये चीजें पूछी थी बेसिकली, तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहे हैं कौन कौन से हो गए। अब जो पार्ट बी था आपका, उसको उसने DLED नाम दिया है, उसके अंदर जो है उसने हालांकि आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो बहुत लंबा सिलेबस है, क्योंकि उसने टॉपिक 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 बना रखे हैं कि बच्चे का सामाजिक विकास जो है वो किस प्रकार से होता है, मतलब समाज में, और भी बहुत सारी चीजें स्कूली व्यवस्था वगैरह के बारे में। तो मैंने उसको नॉर्मली दो वर्ड में यहाँ पे कन्वर्ट किया है, पहला है बाल मनोविज्ञान और दूसरा है शिक्षा व्यवस्था।
लेकिन इसका जितना लंबा सिलेबस दे रखा था उतना भारी भरकम पेपर आया नहीं। इसमें जो बाल मनोविज्ञान आया है वो टोटली सीटेट से रिलेटेड था, टोटली सीटेट से रिलेटेड था। जब मैंने उसके क्वेश्चन पढ़े पेपर के, तो उसके क्वेश्चन जो थे उसमें क्या था पता है, पूरा जीन प्याजे, जीन प्याजे से कम दो तीन प्रश्न थे, आपका कॉलबर्ग से थे, आपके वाइगोत्स्की से थे, और मैं आपको बताऊं बुद्धि से प्रश्न बहुत सारे थे, बुद्धि से थे, स्मृति से थे, यानी कि हमारी मेमोरी से थे, और उसमें डिसलेक्सिया डिसग्राफिया के प्रश्न भी आ रखे हैं, और उसमें जो है प्रश्न आ रखे थे व्यक्तिगत विभिन्नताओं से और समावेशी शिक्षा से आ रखे हैं प्रश्न। तो कुल मिलाकर जब मैंने उसके सारे प्रश्न पढ़े बाल मनोविज्ञान वाले पार्ट टू के, तो उसमें मुझे पूरा ऐसा लगा जैसे मैं सीटेट का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पूरा वही लगा जैसे मैं सीटेट का पेपर देख रहा हूँ। तो जो बाल मनोविज्ञान इनके पार्ट बी था आपका, वो पूरा जो है सीडीपी मान लो आप जो है सीटेट की, हालांकि दो चार प्रश्न जो है हाई लेवल के जाएंगे, तो जब हम अभी हम तैयारी करेंगे क्लासेस तो उसमें वो चीजें हम कवर करेंगे। तो इन सारी चीजों को अगर आप देख रहे हैं तो तब जाके मुझे जो पूरा एनालिसिस निकाल पा रहे हैं हम, तो जो आपके बेसिक सब्जेक्ट होंगे वो क्या हो सकते हैं सुपर टेट में, उसकी बात करते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी, है ना। देखिए सबसे पहले अगर अब हम बात कर रहे हैं सुपर टेट की, तो सबसे पहला जो आपका होगा वो होगा बाल मनोविज्ञान। सबसे पहला सब्जेक्ट यही होगा आपका बाल मनोविज्ञान। उसके अलावा दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो ईवीएस आपसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये जो पेपर होगा, ये पहली चीज तो आप ये याद रखो, ये जो पेपर है ये चारों ग्रेड के लिए है, यानी कि कक्षा एक से लेकर बारहवीं क्लास तक आप किसी भी ग्रेड पर टीचर बन रहे हैं वो सब के लिए है आपका ये वाला पेपर। तो इसमें जो सब्जेक्ट बनेंगे वो कॉमन बनेंगे, केवल प्राइमरी के नहीं आ सकते और केवल आपके जो है माध्यमिक के नहीं आ सकते। प्राइमरी के अगर केवल रखेंगे तो ईवीएस लेके काम खत्म हो जाएगा, यानी कि सीडीपी मैथ हिंदी इंग्लिश और ईवीएस काम खत्म हो जाएगा, तो बाकी लोगों का एग्जामिनेशन कैसे होगा ऊपर वालों का। तो इसलिए उन्होंने जो है आगे बाकी सब्जेक्ट भी डालने ही डालने हैं। तो इसमें जैसे बेसिक सब्जेक्ट आपका बाल मनोविज्ञान मान लो, फिर मैं ईवीएस और साइंस मान रहा हूँ, ईवीएस मान रहा हूँ मैं, साइंस हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो आपका जो है ईवीएस सॉरी हिस्ट्री, उसमें आपका जो है हिस्ट्री हो गया, और आपका हो गया ज्योग्राफी हो गया, और आपका सिविक्स हो गया, और इसको कुल मिला के आप कह सकते हैं एसएसटी नाम दे सकते हैं। दूसरी बात, उसने गणित को भी साफ साफ यहाँ पे लिखा है, तो मैथ हो गया आपका बेसिक ही है, क्योंकि उसने लिखा है प्राथमिक गणित, तो बेसिक ही है। उसके बाद हो गया आपका रीजनिंग, यानी कि अब रीजनिंग लिख लेते हैं हम। उसके बाद हम जो है सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं जो है वो करंट अफेयर है, वर्तमान घटनाएं जिसको बोलते हैं उसको करंट अफेयर बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी ए करंट अफेयर को, ठीक है। नॉर्मली ये हुए। इसके अलावा अब जो है हम अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह जाएं सारे को एनालिसिस करके, तो क्या लैंग्वेज नहीं पूछेगा आपसे? 100% पूछेगा भाई, हिंदी इंग्लिश पूछेगा ही आपसे, क्योंकि प्राइमरी और जूनियर का भी तो इसी से भर्ती होनी है, तो उसमें अगर लैंग्वेज नहीं आई तो कुछ भी नहीं आया। तो हिंदी और इंग्लिश का आना तो आपका कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश आपका कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। अब इसमें उर्दू और संस्कृत आएगा नहीं आएगा ये बताएंगे ऑफिशियल सिलेबस के बाद, इसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते। तो जो सब्जेक्ट आपके सामने हैं अभी बेसिक सब्जेक्ट, बाल मनोविज्ञान हो गया आपका, ईवीएस यानी कि आपका जो है पर्यावरण अध्ययन हो गया, साइंस हो गया बेसिक वाला 8th क्लास तक का मानो एनसीईआरटी वाला, फिर आपका जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी एसएसटी हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश। अब जैसे पूरा एनालिसिस लगा के जो अगर आप देख रहे हैं अभी तक सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी, बीपीएससी ने एग्जाम कराया है, और एक पॉइंट और लास्ट में मैं आपको भी बताऊंगा जो आपका बहुत काम का है, बीपीएससी ने एग्जाम कराया है, टीचिंग एग्जाम है, और जो चीजें पूछी गई हैं जो एनालिसिस बन रहा है, तो क्या ये सब्जेक्ट निकल के नहीं आ रहे आपसे, ये नहीं पूछे जाएंगे? इसके अलावा होते क्या है जो टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं भाई, टीचिंग एग्जाम्स में आपसे और पूछेगा क्या, ये बताओ, यही चीजें पूछेगा। और मैं आपको बताऊं तो फिर मैंने आपको जो कल वाली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बिहार टीचर की तैयारी कैसे करें, उस वीडियो में भी तो यही चीजें बताई थी, यही सब्जेक्ट बताए थे और कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है वो सब चीजें यही बताई थी। तो फिर उस पे सवाल जो उठा, इसीलिए ये सेकंड वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो सके, और आई थिंक आपका कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। अब आपको एक ट्रैक मिल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको यही सब्जेक्ट की तैयारी करनी है।
ठीक है, कोशिश करूंगा मैं जल्दी बैच स्टार्ट हो जाए, हालांकि मैं कह रहा था कि ईद के बाद होगा, कोशिश करूंगा अगर पहले हो पाया तो पहले ही स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि अब आपके सामने जो है, अभी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि जो एग्जाम डेट को लेकर, तो जल्दी ही आपका एग्जाम डेट जो है आने वाली, मतलब नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, फिर एग्जाम आएगा, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अब एक पॉइंट और बात करते हैं, वो ये है कि बीपीएससी जो है उसने हेडमास्टर का एक जो कराया है एग्जाम, अब दूसरा कराने जा रहा है सुपर टेट। तो जब कोई नई बॉडी, नया आयोग जब कोई एग्जाम कराता है, यानी कि बीपीएससी ने पहले टीचिंग एग्जाम्स नहीं लिए, तो वो टीचिंग एग्जाम्स का कंटेंट या उसकी जो पूरी स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लेगा? भाई वहां से लेगा जो पहले से कराते आ रहे हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे कि डीएसएसबी का नाम सुना है आप सब लोगों ने, डीएसएसबी जो दिल्ली में एग्जाम होता है टीचिंग को लेके, तो उसमें एक पार्ट होता है जनरल स्टडीज का, दूसरा होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक का। जैसे कि फर्स्ट पेपर में आपके ये आते हैं हिंदी इंग्लिश और मैथमेटिक्स और करंट अफेयर और आपका रीजनिंग, और सेकेंड जो आते हैं वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। तो जैसे कि प्राइमरी में जो और जूनियर में जो एग्जाम्स हुए हैं, जब उसको माध्यमिक का एग्जाम लेना होता है टीजीटी पीजीटी का, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो पार्ट ए, जो नॉर्मली आपका जनरल पेपर होता है, उसके क्वेश्चन पता है वो कहाँ से लेता है? वो अलग से नहीं बनाता, वो प्राइमरी और जूनियर वालों से ही प्रीवियस पेपर से उठा उठा के क्वेश्चन उसमें डाल देता है, क्योंकि एक ही सिलेबस है और एक ही एग्जामिनेशन है। तो सेम चीज आप यहाँ पे समझिए, अगर आपका बीपीएससी ले भी रहा है एग्जाम, तो वो कहाँ से उठाएगा कंटेंट? वो उठाएगा जो प्रीवियस पहले जो करा रहे हैं, जो हम बोर्ड की बात कर रहे थे, जो बीटेट और एसटेट वाले, बीएसईबी है आपका, जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, उससे सहायता लेगा वो, डायरेक्टली ना ले, लेकिन उसने जो पहले एग्जाम करा रखे हैं, जो एग्जाम पैटर्न है, जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, जो आपका कंटेंट है, सिलेबस है, उन्हीं से चीजें उठाएगा वो, ये चीज आप याद रखना। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, बहुत बड़ा भारी भरकम ऐसा लगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि अलग दुनिया से कुछ आ जाएगा, बेसिक सब्जेक्ट है, यही चीजें आपसे पूछेगा सब चीजें। आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मुझे, ठीक है। बाकी रही बात नोट्स की, तो अगर आप अभी लेना चाहें, बेसिक पढ़ना चाहें, तो लो अभी, वरना तो जब ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा तब ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज्यादा नहीं। तो बेसिक सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको अभी चाहिए होंगे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले लेना, और बाकी तैयारी शुरू कर दो। जो जो चीजें इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसको यूट्यूब पे सर्च करके या चैनल पे जाके देख लेना, बिहार सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, ये सर्च कर लेना, ठीक है। बिहार सुपर टेट की तैयारी कैसे करें, शायद सबसे ऊपर ही वीडियो आपको मिल जाएगा, मेरा फोटो उस पे लगा हुआ है थंबनेल पे, तो वो वीडियो देखना, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं किस किस तरह से तैयारी आपको करनी है। तो तैयारी अपनी शुरू कर दो, ठीक है। बाकी जो भी चीजें आगे होंगी उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो साथ में जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर अच्छी लगी है जानकारी, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना कैसी लगी पूरी जानकारी। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।